क्वेश्चन नंबर 20। एक जोड़ दो जोड़ तीन जोड़ 60 तक या प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में एक से लेकर के 60 तक, ठीक है, एक से लेकर के 60 तक के प्राकृत संख्याओं को जोड़ना है, ठीक है। तो अगर ऐसे हम जोड़े तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए इसका एक फॉर्मूला है। देखिए प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग योग बराबर क्या होता है, फॉर्मूला देखिए, एन गुना एन प्लस एक बटा दो, ठीक है, एन गुना एन प्लस एक बटा दो। अब देखिए एन क्या है, तो एन है जहां तक की संख्याओं हमसे पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है एक से लेकर 60 तक, ठीक है, सबको जोड़ना, यानी प्रथम 60 प्राकृत संख्या, मतलब प्राकृत संख्या एक से ही शुरू होता है, तो देखिए प्रथम 60 यानी एक से लेकर 60 तक, तो प्रथम 60 ही हुआ, ठीक है। तो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग, एन के जगह पे हम क्या रखेंगे, 60, तो प्रथम एन यानी प्रथम जितना भी पूछे, प्रथम 60 100 80, तो एन के जगह पे हम जो भी अंतिम संख्या होगा, प्रथम जो भी पूछेगा वो हम रख देंगे, ठीक है। यानी एक से लेकर 60 पूछ रहा है तो 60 हम रखेंगे एन के जगह पे, अगर एक से लेकर के 80 पूछता या 100 पूछता तो हम 80 या 100 रखते हैं इनके जगह पे, ठीक है। तो एन के जगह पे क्या रखेंगे, 60 प्लस एक, देखिए कोष्टक है ये, छोटा कोष्टक है, बटा दो। अब देखिए इसका आंसर 60 गुना 60 प्लस एक कितना होगा, देखिए ये कोष्टक में, तो इसको पहले हल करेंगे तो 61 बटा दो, ठीक है। अब देखिए गुना में आ गया तो हम काट सकते हैं, दो से 30 गुना 60 तो कितना आ जाएगा इसका आंसर, देखिए 60 गुना 61 गुना 30 कितना हो जाएगा, देखिए 3 गुना 1 3 6 18 यानी 1830। तो प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग 60 तक, यानी प्रथम 60 प्राकृत संख्याओं का योग कितना होगा, 1830, ठीक है। तो एक से लेकर के अगर 60 तक हम जोड़ करके भी देखें तो कितना आएगा, 1830। तो ये फॉर्मूला से देखिए कितना आसानी से हम कितना जल्दी हम जोड़ सकते हैं, अगर ऐसे हम जोड़ना चाहें तो बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें याद कर लेना है, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग बराबर होता है एन गुने एन प्लस एक बटा दो। क्वेश्चन नंबर 21। 22 जोड़ 23 जोड़ 24 जोड़ कहां तक, 45 तक या 22 से 45 तक के प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा। यानी देखिए अभी हमसे पूछ रहा था एक से लेकर 60 तक का जोड़, ठीक है, अब हमसे पूछ रहा है कि 22 से 45 यानी 22 से शुरू होकर 45 तक का संख्याओं का जोड़, प्राकृत संख्याओं का जोड़ क्या होगा। तो देखिए इसमें भी वही फॉर्मूला लगा, ठीक है, लेकिन कुछ दूसरी तरह से देखिए। तो फॉर्मूला क्या होता है, प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग बराबर कितना होता है, एन गुना एन प्लस एक बटा दो, एन गुना एन प्लस एक बटा दो होता है, ठीक है। अब देखिए तो हमसे क्या पूछ रहा है, देखिए 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस ऐसे करते करते कहाँ तक, प्लस 45 तक, तो देखिए कितना हो जाएगा, बराबर 22 प्लस 23 प्लस 24 प्लस 45 तक पूछ रहा है हमसे, कि यानी 22 से 45 तक। तो देखिए इस तरह हम लिख लेंगे, पूरा हम नहीं लिखेंगे क्योंकि पूरा लिखेंगे तो पूरा कॉपी भर जाएगा, ठीक है, 25 26 27 28 ऐसे करके लिखेंगे तो इसीलिए देखिए हम डॉट डॉट दे देते हैं, ठीक है, तीन संख्या लिख करके और डॉट डॉट दे देंगे ताकि पता चले कि और आगे ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आया है, 45 तक। तो किस तरह निकलेगा, देखिए बराबर किस तरह निकलेगा, तो हम लिखेंगे एक
प्लस दो प्लस तीन प्लस, ऐसे करते करते कहाँ तक देखिए, 45 तक। ठीक है, तो हम प्लस 45 लिखेंगे, इसको हम कोष्टक में करेंगे। माइनस, फिर हम लिखेंगे एक प्लस दो प्लस तीन प्लस, ऐसे करते करते कहाँ तक देखिए, 22 से शुरू हो रहा है तो 21 यहाँ पे लिखेंगे। देखिए ये क्या है, इससे कैसे निकलेगा, तो देखिए हमें पूछ रहा है 22 से 45 तक जोड़ने के लिए। ठीक है, हमसे पूछ रहा है 22 से 45 तक जोड़िए प्राकृत संख्याओं को, तो इस फॉर्मूला पे कैसे बैठेगा, तो हम पहले 1 से 45 तक का जोड़ निकाल लेंगे। ठीक है, 1 से 45 तक हमसे पूछ रहा है 22 से 45 तक। ठीक है, तो पहले हम 1 से 45 तक, क्योंकि 1 से ही ये फॉर्मूला काम करेगा, एन गुने एन प्लस एक बटा दो, क्योंकि प्रथम एन यानी प्रथम मतलब 1 से शुरू। ठीक है, तो 1 से हम 45 तक का जोड़ निकाल लेंगे, उसके बाद घटा देंगे किसको, 1 से लेके 21 तक, क्योंकि 22 से हमें पूछ रहा है। तो देखिए जब 1 से 45 तक निकल जाएगा तो उसमें 1 से लेकर 21 तक का जोड़ घटा देंगे, तो हम मालूम चल जाएगा कि 22 से 45 तक का कितना आएगा जोड़ने पे। तो देखिए अब फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, तो 1 से लेकर 45 तक, तो n की जगह पे हम 45 रखेंगे, तो 45 गुना 45 प्लस 1 बटा 2, माइनस कर देंगे किसको, तो 21 तक। तो अब हम 21, देखिए 1 से 21 तक है, तो अब n की जगह पे हम 21 रखेंगे, तो 21 गुना 21 प्लस 1 बटा 2। अब 21 हम क्यों लिए, क्योंकि देखिए 22 से शुरू हो रहा है, तो 21 तक का संख्याओं का जोड़ अगर हम घटा दें किसमें, 1 से लेकर 45 तक के जोड़ में, तो 22 से लेकर 45 तक का जोड़ आ जाएगा हम। तो देखिए अब इसको हम हल कर लेते हैं, तो हो जाएगा 45 गुना 45 से कितना हुआ, 46। देखिए पहले कोष्टक को हल करेंगे हम, तो 45 प्लस 1 हो गया 46 बटा दो, माइनस 21 गुना 21 प्लस 1 कितना हो गया, 22 बटा दो। अब देखिए काट लेंगे क्योंकि गुना में है तो काट सकते हैं हम, तो 2 दूनी 4, 2 तीय 6, 23 दूनी 46, 11 दूनी 22, तो यहाँ पे आ चुका है 45 गुना 23 और 21 गुना 11। तो देखिए 45 गुना 23 अब हम करेंगे और 21 गुना 11 करेंगे, तो 45 गुना 23 हम देखिए रफ रफ पेज में कर लेते हैं गुना, तो 5 तिया 15, 4 तिया 12, 1 13, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 1 9, 5 3 9 1 10। ठीक है, इतना आ गया। अब 21 गुना 11 कर लेते हैं, तो 21 21 1 2 1 3 2, देखिए दोनों का गुना आ गया है, तो 1 का कितना आया, 1035 और 231। तो हम यहाँ पे लिखेंगे, अब यहाँ पे हम लिखेंगे 1035 माइनस 21 गुने 11 कितना आया, 231 बराबर, इसका आंसर देखिए कितना आ जाएगा, घटा देंगे तो 5 में से 1 गया 4, 3 में से 3 गया 0, 10 में से 2 गया 8, इसका आंसर देखिए कितना आ चुका है, 804, यानी कितना आंसर आ गया है, 804। यानी देखिए 22 से 45 तक का जोड़ कितना आ जाएगा आंसर, 804। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग, या इसी को कह सकते हैं 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योग क्या होगा। देखिए 1 से 30 में, 1 से 30 तक के संख्या में 15 ही विषम संख्या होगा, इसीलिए या तो इसको बोलें कि 1 से 30 तक विषम संख्याओं का योग निकालें, या हम बोल सकते हैं इसको प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग निकालें। ठीक है, दोनों क्वेश्चन एक ही, दोनों क्वेश्चन का एक ही मतलब है। ठीक है, ये नहीं कि अलग अलग है, दोनों दोनों क्वेश्चन का एक ही मतलब है, यानी 1 से 30 तक की संख्या में 15 विषम संख्या होगा, इसलिए इस तरह भी हम बोल सकते हैं और इस तरह भी। ठीक है, तो देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, प्रथम एन विषम संख्याओं, प्रथम एन मतलब 1 से, देखिए प्रथम एन तो एक ही 1 से, ठीक है, प्रथम एन विषम संख्याओं का योग
बराबर क्या होता है एन स्क्वायर, ठीक है, यानी प्रथम एन। तो एक से लेकर अगर मान लीजिए 30 तक निकालना है या 50 तक, तो एक से लेकर 50 तक विषम संख्याओं का योग, तो प्रथम ही हुआ क्योंकि एक से पूछ रहा है, ठीक है। तो एन, एन के जगह पे हम जो अंतिम संख्या पूछेगा 30 तक या 50 तक वो रखेंगे, तो लिखेंगे हम अतः प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग बराबर। अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, प्रथम 15 यानी एक से 30 तक विषम संख्याओं का योग, तो एक से 30 तक पूछ रहा है यानी प्रथम 15 ही हुआ, एक से 30 में 15 ही विषम संख्या होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा पूछे कि प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग या एक से 30 तक विषम संख्याओं का योग, तो पहले हम विषम संख्या निकाल लेंगे कि एक से 30 में कितना विषम संख्या होगा, 15 ही होगा क्योंकि एक एक अंक छोड़ के होता है विषम संख्या, ठीक है। अब देखिए तो एन स्क्वायर, तो एन के जगह पे हम क्या रखेंगे, एन के जगह पे हम 15 रख देंगे, ठीक है। तो 15 का वर्ग कितना हो जाएगा, तो 15 × 15 करेंगे तो कितना आएगा, देखिए हम रफ पेज में 15 × 15 करके देख लेते हैं, 15 × 5 = 75, 15 × 1 = 15, 5 × 7 = 12, 1 × 1 = 2, 225 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 225, यानी 15 का वर्ग यानी 15 × 15 करेंगे तो 225 आ जाएगा। तो देखिए प्रथम 15 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 225, ठीक है, या एक से 30 तक विषम संख्याओं का योग कितना होगा, 225। तो इस तरह से हम ये फॉर्मूला का प्रयोग करके हम ये निकाल सकते हैं आसानी से।